न्यूज में आपका स्वागत है। साउथ जोन पुलिस ने नशे की आजादी प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जिसमें मेडिकल हॉल्स और स्टेशनरी शॉप्स के ओनर्स को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की और कहा है बिना प्रिस्क्रिप्शंस के टैबलेट्स न दे और न ही गैर जरूरी वाइटर्स बेचने को कहा है। देखिए आज की खास रिपोर्ट में। फ्री ड्रग्स सोसाइटी बनाने के लिए ये प्रोग्राम लगाए, इसलिए इधर एक्सेप्ट करके आपका टाइम निकाल के ये प्रोग्राम को आने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम का मकसद एक ही है, अपना ओल्ड सिटी में सब मेहनत करके जीने वाले बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बहुत कम है। कई आप अपन रोड पे निकले तो कई ऑटो, एक 100 ऑटो दिखते रहते, 50 ऑटो दिखते, ऑटो ड्राइवर्स और फ्रूट भेजने वाले, छोटे छोटे शॉप्स में काम करने वाले, कारखाने में काम करने वाले, कई ऐसे प्राइवेट वर्क करने वाले अब 70% दिखते। ये मेडिसिन और जो है ये वाइटनर जो हम स्टेशनरी शॉप में देते हैं ये देना नहीं, इससे बहुत नुकसान होता। आप लोगों का भी, आपके बच्चों को कुछ ज़रूरत है तो आज साउथ जोन पुलिस पूरा मिलकर यहाँ पे कंजरी फंक्शन हॉल में साउथ जोन पे जितने भी मेडिकल शॉप और स्टेशनरी शॉप ओनर थे उन लोगों को बुला के काउंसलिंग किया गया, ताकि जो ये ड्रग्स जो ड्रग्स का प्रिवेलेंस है उसको कम करना है। जैसे ये हम लोग आज नशा से आज़ादी नाम के प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आने वाला जनरेशन को नशा से दूर रखने के लिए प्रोग्राम है, उसमें उन लोगों को इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वाइटनर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो इजीली नशा लेने का एक स्कोप था, तो इसीलिए स्टेशनरी शॉप ओनर सबको बुला के एक काउंसलिंग रखा, ताकि अननेसरी वाइटनेस को नहीं बेचना और जो भी वाइटनेस ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उनके बारे में लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बारे में उन लोगों को काउंसलिंग दिया गया। साथ साथ मेडिकल शॉप्स पे नाइट्रोविट टैबलेट जिसमें बिना प्रिस्क्रिप्शन का बेचने से उन लोगों के ऊपर केस बन सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग इंटीमेट किया और उन लोगों को काउंसलिंग दिया गया, ताकि ये ड्रग्स जो है, जो नशा करने वाले ड्रग्स है और शेड्यूल एज ड्रग्स पर्टिकुलरली बिना प्रिस्क्रिप्शन के साथ नहीं बेचे। और सबका ताउन मांग है इसमें कि हमारा हैदराबाद सिटी को ड्रग्स फ्री सिटी बनने का पुलिस का जो एफर्ट में सबका ताउन चाहिए था सबको, इसीलिए बुला के ये भी रिक्वेस्ट किया। और ये प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम का जो मकसद है, जीपी साहब का इंटेंशन था, जीपी साहब चार्ज लेने के बाद से ड्रग्स के ऊपर खास करके ये स्पेशल फोकस रखा था और अभी भी चल रहा है फोकस, तो उसके सिलसिले में ये हैदराबाद सिटी जो तेजी से डेवलप हो रहा है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल AM न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।